अवसाद में घिरे हुए हैं, टेंशन में घिरे हुए हैं। किसी ने कुछ कह दिया और टेंशन, रात को नींद नहीं आ रही है। कुछ तो ऐसे भी है जो नशे का सेवन तक करने लग जाते हैं सिर्फ इस बात पे कि उसने मुझे ये कह दिया, किसी ने मेरे बारे में ये कह दिया, अब किसने क्या कह दिया, इसी बात पे चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। थोड़ा सा देखिए किसको इग्नोर करना है, किसको इग्नोर नहीं करना है। ना जाने वो जमाना लौट कर कब आएगा, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे और मैं चुप रहूं, न जाने ये मुझको सलीखा कब आएगा। बात ये है कि कोई आपके बारे में कुछ कहे, आपको कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, बोलना है तो फिर क्या बोलना है, और नहीं बोलना तो फिर क्या नहीं बोलना, ये भी तो ध्यान रखना जरूरी है। इग्नोर किन लोगों को करें? पहली बात तो ये कि बात इतनी सी है कि कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है तो हमारे दिमाग में अनेक तरीके के विचार चलते हैं, या तो हम उसके साथ विवादों में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा भी नॉर्मल स्थिति पे हम लड़ाई शुरू कर देते हैं, बीजेपी अच्छी है, सामने वाला कह रहा है कांग्रेस अच्छी है, इस बात पे तुम बहस करनी शुरू कर देते हो, एक एक घंटे तक बहस करते हो, दिमाग खराब करते हो। इस बहस का क्या रिजल्ट निकला? कुछ बहस के कुछ रिजल्ट, वो टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा है, वो कोचिंग अच्छी है, ये कोचिंग अच्छी है, इस बात पे तुम अपने साथियों से लड़ लेते हो। अरे ऐसी बहस क्यों करते हो जिस बहस का कोई रिजल्ट ही नहीं निकलता। हाँ भाई बीजेपी अच्छी है, हाँ भाई कांग्रेस अच्छी है, हाँ भाई वो गुरुजी अच्छी है, हाँ भाई वो किताब अच्छी है, ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है। चल जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें बड़ी जरूरी होती है। जितना हल्का होगे उतना ही आगे जाओगे। गाड़ी वही स्पीड से चलती है जो हल्की हो। पहाड़ों पे चढ़ने के लिए भी हल्का होना जरूरी है, तुम्हारे ऊंचाइयों पे जाने के लिए तुम्हें हल्का होना जरूरी है। इस तरीके की बोदरेशन से दूर निकलना बहुत जरूरी है। और लड़कियों के साथ तो ये सब्जी मेरे बारे में न्यू कह दियो, मेरे बारे में गुरुजी न्यू कह दियो, मतलब यहां तक आ जाती थी, लेट क्या आई, इतने में आंसू टपकार चाह गया। अरे ये कोई बातें नहीं है, इन बातों पे टेंशन नहीं ली जाती। अब बात ये कि आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, आपके विचार क्या है। पहली बात तो हम इस पे चर्चा करता हूं कि आपके बारे में लोगों के क्या विचार है। ध्यान रहे आपको पता है कि आपके बारे में लोगों के क्या विचार है। मुझे पता है मेरा स्टूडेंट मेरे बारे में क्या बोलता है, ये मुझे पता है। मुझसे ऑनलाइन पढ़ने वाला मेरे बारे में क्या बोलता है, ये मुझे पता है। मेरे साथीगण जो कभी मेरे साथ पढ़ा है वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये मुझे पता है। मेरा विरोधी मेरे बारे में क्या बोलता है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं कभी टेंशन लेता ही नहीं। बहुत से ऐसे आते हैं, गुरु जी थार बारे में न्यू बोलो, वो कौन है वो मैं बता दी हूँ, वो के बोलो, मुझे कैसे पता चल जाता है कि वो मेरे बारे में क्या बोलेगा। ध्यान रहे इसका एक कारण तो ये है कि आपके बारे में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस अपने जैसा ही आपको समझ लिया हो, उसने खुद की छवि आप में देख ली होगी। बहुत से ऐसे भी बोलते लग जाते हैं उसको कुछ नहीं आता, तीन टॉपिक आते हैं, इसका मतलब उसने खुद की छवि देख ली होगी मेरे अंदर। आपके बारे में कोई कहता है कि तुम करेक्टरलेस हो, या आपने जैसे किसी लड़की ने सुना, किसी ने कह दिया कि ना रे बाछोरी तो करेक्टरलेस है, और आप टेंशन में, तो हो सकता है उसने अपनी छवि आपके अंदर देख ली होगी। इसमें आपको सफाई देने की कतई जरूरत नहीं है। कौन कैसा है कोई निर्धारित करने वाला नहीं है। पहली बात, हो सकता है आपको क्यों बोला, हो सकता है अपनी छवि आप में देख ली, या फिर हो सकता है आप जहां पर हो वहां पर वो पहुंचना चाहता होगा, नहीं पहुंच पाया होगा। आप इस चीज को आपके साथ साथी जो लोग रहे हैं पुराने समय में, जब आप उनसे अगर आगे निकल गए हो तो इस चीज को पहले से ही तैयार रखना कि वो आपके बारे में कभी ना कभी गलत बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे आगे निकल गए हो। पहला कारण, आपकी छवि देख ली होगी इसलिए आपके बारे में बुरा बोला। जैसे आप है जाकी रही भावना, जैसी हरी मूर्त देखी तीन तैसी, हो सकता है इसलिए बोला होगा। हो सकता है आप उनसे आगे निकल गए, जहां आप पहुंच गए वहां वो पहुंचना चाहते होंगे, नहीं पहुंच पाए होंगे इसलिए बोल दिया होगा। दो कारण तो ये है कि बोलने के पीछे कोई आपके बारे में इसलिए बोलता है। दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हो कि आपके बारे में कोई कुछ भी ना बोले, ठीक है भैया नहीं बोलेंगे, कुछ भी मत करो तुम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बहुत प्रगति करूं तो ध्यान रहे आपके बारे में लोग बोलेंगे, या तो प्रगति करना छोड़ दो ना। कोई आपके बारे में कुछ भी बोले क्या आप काम करना छोड़ दोगे? पुलिस वालों के बारे में भी बोलते हैं लोग, क्या पुलिस अपना काम करना छोड़ देगी? डॉक्टर्स के बारे में भी लोग बोलते हैं, क्या डॉक्टर अपना काम करना छोड़ देंगे? हमने पढ़ाया ऑफलाइन, पता नहीं क्या क्या बातें जोड़ देते थे, क्या हम पढ़ाना छोड़ दें क्या? आपके बारे में किसी ने कुछ कहा और आप वो काम करना छोड़ दोगे? नहीं, आपको कर्म करना है, बोलने दो ना, जितना बोले बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर दो, क्यों बोलते हैं? आपके जैसा बनना चाहते होंगे भैया,
इसलिए बोलते होंगे, जहां आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए बोलते होंगे। तो ध्यान रहे, कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले, आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, कई बार के वह कहे क्लास के अंदर पढ़ाते समय क्या होता है कि कुछ बच्चे वो कोई टीचर को उकसाने के लिए नहीं बोलते, बोल गुरु जी याज की थे बात लिखाई है, बा गुरु जी तो आ लिखाई। और यहाँ पे टीचर हाइपर, बीपी हाई, वो गोपीनाथ शर्मा है क्या, वो डॉक्टर आजा है क्या, वो क्या यार, वो ज्यादा है, उसको क्या आता है, हमारे साथ ही पढ़ाता था। अरे भैया, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास होना चाहिए। एक बच्चे ने कहा और आपने बीपी बढ़ा ली, किसी ने आपके बारे में कुछ भी कहा, इसका मतलब आपका कंट्रोल स्वयं पे नहीं है। हे पार्थ योगी बनो अपना कंट्रोल। हाँ ठीक है, वो भी आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे सामने ऐसे ऐसे हो जाता है कि बार आता है ऑनलाइन कोर्स, ना गुरु जी मैं तो ऑनलाइन कोर्स बोले रखे बिल्कुल कोई फर्क नहीं। हाँ भाई बिल्कुल, वो भी बढ़िया है। अब उसकी जगह मैं अगर जिद्दबाद करूं उससे, उसमें क्या है, उसमें ये कमी है वो कमी है, तो अगर उस बच्चे के मन में मेरे लिए थोड़ी बहुत इज्जत है वो और खो दूंगा मैं। इसलिए इन चीजों पे बहस मत करो, समाधान यही है, इन चीजों के इग्नोर करो। ठीक आपके कुछ भी कहा, हाँ ठीक है वो भी अच्छा है यार, वो भी अच्छा लिखाते हैं, तो कोई कुछ बोलने से आपकी बीपी कभी हाई नहीं होनी चाहिए। जवाब की बात ये, हाँ रास्ते में भटकने वाले कुछ होते हैं कि मैं उसको जवाब दूं, ये बड़ी छोटी है, उस मन ना न्यू बोल लिया तो मैं न्यू बोलूंगा। अरे बावड़ी तरेड़, किस किस को जवाब देगा रे तू? कोई यहां पोस्ट करता है क्या, मोदी उसको फोन करके बोलता है कि मेरे खिलाफ कैसे लिखी रहे, किस किस को जवाब दोगे? रास्ते में भौंकने वाले अगर कुत्तों को तुम पत्थर मारोगे ना, मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। बोलने दो, धारणा बदलेगी उनकी। तुम नौकरी नहीं लगे, हो सकता है एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे ना वो तो सीख कर न्यू ही रहते हो, वो तो पढ़ तो थोड़ी ये कर दो, पूरे दिन कान गए फोन रहते। बोलने दो, उन किस किस को जवाब दोगे? जब अगली बार आपका सिलेक्शन होगा तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। अब उनको जवाब दोगे दोबारा, दिमाग कौन बोल रहा है, हम लोगों को कब टेंशन लेनी? आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो अनसंट, जिनसे आपका कोई लिंक नहीं है, हो सकता है आपके साथ ही रहे वो बोल रहे होंगे, हो सकता है उनसे आगे, लेकिन आपको कहीं, क्योंकि हम सामाजिक है, मैं भी सामाजिक प्राणी, कोई कुछ बोलता है मुझे भी टेंशन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टेंशन ना मैं ये बोल दूं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कोई ये बोल रहा है इग्नोर को, इग्नोर करो, नहीं किया जा सकता भाई साहब। गुरु जी तो तुरंत ही पलटी मार गया, हाँ मैं पलटी मार गया, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है, कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है हमें भी टेंशन होती है, लेकिन कौन बोल रहा है तब टेंशन लेनी है। जैसे मेरे बारे में बोल रहा, मैं जैसे मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं, कोई बहुत सारे बोल देते कुछ नहीं आता उसको, ऐसे ही कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मैं क्यों टेंशन नहीं लेता उनकी, वो बिल्कुल ही नहीं होती, वो मजा आता है, हाँ ठीक है बोलने दे, क्यों? क्योंकि वो मेरे विरोधी हैं। मैं सिर्फ टेंशन तभी लेता हूं कि मेरे पास पढ़ने वाला स्टूडेंट क्या बोल रहा है। तो आपको मान लो किसी लड़की, लड़कियों के साथ ये ज्यादा होती है, मान लो किसी लड़की को अफवाह उड़ती रहती है, चरित्रहीन है वो, तो करेक्टर लेस है, तो फिर आपको टेंशन कब लेनी है? कौन बोल रहा है ये चीज महत्वपूर्ण रखती है। आपका पड़ोसी बोल रहा है बोलने दो ना, कॉलेज के स्टूडेंट बोल रहे हैं बोलने दो ना, आपका पिता, आपका भाई, आपकी माता, आपका पति, ये अगर आपके ऊपर संदेह कर रहे हैं तो जरूरी है कि कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, वरना जो सही है उसे सही साबित करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप में से आज बहुत सारी ऐसे होंगे लड़के या लड़कियां जिनकी शादी हो गई हो कॉलेज टाइम में, उनकी अफवाहें उड़ी, क्या आपके कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि आप अगर सही हो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो आपको कहीं सिद्ध करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ भी बोल रहा आपका विरोधी, बोलने देना, भले पूरे गांव में उड़ने देना चाहिए, टेंशन न लेना, क्योंकि आप अगर सही हो तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ टेंशन तभी ली जाती है जब आपके अपने जो खास है वो कर रहे हैं, तब संदेह तब होता है कि यार ये मेरे पिताजी आज मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं, क्या बात हुई मुझसे, क्या भूल हुई। सिर्फ आपके जो खास है वो अगर आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं तो उस पर जरूर ध्यान देना, बाकी दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, भाड़ में जाए दुनिया, कोई कुछ भी बोले, कुछ ना कुछ बोलेगा, या तो प्रगति करना छोड़ दो, आप प्रसिद्ध यानी आप सफलता हासिल करते जा रहे हो तो इस चीज की उम्मीद मत करना कि लोग आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इस देश में मुझे एक व्यक्ति लाके दिखा दो जिसके बारे में लोगों ने नेगेटिव ना हो। रामायण खोल के देख लो उसमें कितने अनलाइक मिलेंगे, महाभारत खोल के देख लो उसमें अनलाइक मिलेंगे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध नहीं, वो आज भी मिल जाएंगे, उनकी मूर्तियां तोड़ने वाले आज ही मिल जाएंगे। क्या महाराणा प्रताप का विरोध नहीं, वो आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ने वाले मिल जाते हैं। तो फिर ऐसा दुनिया में एक आदमी भी नहीं हुआ जिसके बारे में लोगों ने नेगेटिविटी ना फैलाई हो।
तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। ध्यान ये रखो कि आपके अपने अम्बेडकर साहब को आपके अपने भगवान मानते हैं, महाराणा प्रताप को आपके अपने भगवान मानते हैं, तो आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। विरोधी आपके बारे में कुछ भी कहे, कहीं उनको कभी जवाब नहीं देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।